please subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get more updates. Welcome friends, welcome to my YouTube channel Target Scorer. आज के इस टॉपिक में हम रेलवे समान अध्ययन का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह के बारे में देखेंगे, बजट तथा वैट और हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा उसमें 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगणमन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और उस समय के अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के पंडित विशन नारायण दत्त। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिमचंद चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिमचंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रगीत का सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और उस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगणमन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, इसका साइंटिफिक नेम है नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस लिननयास। राष्ट्रीय फल आम,
उसका साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंधा लेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। नेक्स्ट बजट तथा वेट के बारे में देखते हैं। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बॉगटी से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पे होता है। सामान्य बजट 109 मांगों, 103 लोक व्यय से तथा 6 सुरक्षा व्यय से विभाजित रहता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को रेल मंत्री पेश करता है, किंतु अब ये रेल बजट समाप्त कर दिया गया है, अब ये सामान्य बजट में ही डाल दिया गया है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्त समिति की स्तुति पर 1924 से 1925 में किया गया। रेल बजट में कुल 23 मांगे होती थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई का वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ। भारत के में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़े के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदंबरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 to 1988 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट तैयार करने का उल्लेख है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की स्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री कर व्यापार कर से है। विश्व में वैट मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 में। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा तथा अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सेवा कर 1994 1945 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 से सेन वैट के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध उत्पादक शुल्क कर से है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चेलिया समिति का गठन 1991 में हुआ। नेक्स्ट हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बंगला है।
भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेड़ थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में मक्खनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि वाल्मीकि को माना जाता आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत है, सॉरी महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वी राज रासो है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे, और हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। भारत का आइंस्टीन नागार्जुना को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। राधेलाल द्विवेदी प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य है। थैंक यू। और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।